अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ ने नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरुका को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रताप स्कूल में काफी समय से गंदे पानी का निकास हो रहा है, जिसके कारण स्कूल जर्जर हो रही है। कभी भी अनहोनी की घटना घटित हो सकती है। उन्होंने बताया कि कभी भी विद्यालय खोले जा सकते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि प्रताप स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए, जिससे विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज हमने जो प्रताप स्कूल में कॉलोनी में गंदा पानी भरा हुआ है और जिसके निकास के लिए और प्रताप स्कूल के पीछे एक झोड़ है जो 4.25 बीघे का था और आज वो अतिक्रमण के द्वारा 0.25 बीघा से भी कम रह गया है। उसमें कॉलोनियों का पानी आता है, जिससे वाटर लेवल आसपास के क्षेत्र का ठीक रहता है, बढ़ता है और अब उस पर अतिक्रमण हो रहा है। तो हमने आज आयुक्त साहब महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का कार्य किया जाए और प्रताप स्कूल में भर रहे पानी का समुचित भी निकास किया जाए, जिससे अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे आएंगे, बदबूदार पानी पूरी स्कूल में भरा हुआ है, अब उसमें बच्चे अध्ययन करेंगे या बदबू को सूंघेंगे। तो सरकार और प्रशासन अधिकारियों को देखना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए और साथ में हमने जो शहर में लाइट की व्यवस्था खराब है उसको सुचारू रूप से करने के लिए आज आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि जल्दी जल्दी कार्य करवाया जाए।